चलो देखो, हम लोग कल जो देखे थे इस डाटा को, क्या था कि भारत जब आज़ाद हुआ तो फर्स्ट जो नेशनल प्लान हुआ 1950-51 में, उसमें भारत में मात्र 750 कॉलेज, और 1920 के डाटा के अनुसार भारत में 44,000 से ज़्यादा कॉलेज है। यूनिवर्सिटी 30 ही था, आज 1200 से ज़्यादा यूनिवर्सिटी है। स्टूडेंट 2,63,000 ही थे पढ़ने वाले, आज 38,03 करोड़ से ज़्यादा है। टीचर 24,000 थे, आज 12 लाख से ज्यादा टीचर हैं भारत में, समझ गए ना। तो ये जो स्थिति था, मतलब धीरे धीरे हम लोग अपने जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको हम लोग अपना एजुकेशन पे खर्चा हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। ओवर द पास्ट 60 ईयर्स देयर हैज बीन अ सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन द नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग इन द स्पेशलाइज्ड एरिया। लेट अस रीड द टेबल टू सी द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कॉलेज यूनिवर्सिटी इनरोलमेंट ऑफ स्टूडेंट रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर्स फ्रॉम उत्तर। वही चीज़ बोल रहा है उसके बारे में कि हम लोग जो 1951 से 1920 का डाटा देखेंगे उसमें हर एक चीज़ में इजाफा हुआ है। नंबर ऑफ कॉलेज भी बढ़ा है, नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी भी बढ़ा है, स्टूडेंट भी बढ़े हैं, और टीचर का भी रिक्रूटमेंट ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स को नौकरी सरकार दिया है, ठीक है, या प्राइवेट संस्था। डिस्कस दिस टेबल इन द क्लासरूम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इज देयर इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ कॉलेज एडिक्वेट टू द एडमिट द इंक्रीज नंबर ऑफ स्टूडेंट। डू यू थिंक वी शुड हैव मोर नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी। व्हाट इज द इंक्रीज नोटिस अमॉन्ग द टीचर इन द ईयर 1516। व्हाट इज योर आइडिया अबाउट फ्यूचर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी। देखिए, तो एक्चुअल में क्या है कि पहले जमाना में जब 1951-52 में चलेंगे तो इंडिया का जनसंख्या भी तो पॉपुलेशन कम था, तो इस कारण नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी और स्कूल क्या था, कम था। लेकिन धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ रहा है तो स्टूडेंट भी पढ़ने वाले ज़्यादा हो रहे हैं, इस कारण कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी, और अभी भारत को ज़रूरत है ज़्यादा से ज़्यादा। इसको आंसर उस वाले टेबल को देख के देना है अपने दिमाग से, ठीक है। क्वेश्चन आंसर करेंगे तो इसका हम डिस्कशन करवाएंगे अच्छे से, ठीक है ना। पहले इसका थ्योरी निपटा लेते हैं। दो ही चीज में किसी भी गवर्नमेंट को ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, पहला एजुकेशन और दूसरा देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हेल्थ सेक्टर। फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट डू यू थिंक एनी फर्म वुड यू इंड्यूस टू इम्प्लॉय पीपल हु माइट नॉट वर्क इफिशियंटली एज हेल्दी वर्कर बिकॉज ऑफ द इल हेल्थ। मतलब क्या है कि जो आदमी बीमार है वो किसी कंपनी में उतना क्षमता से काम नहीं कर सकता है जो हेल्दी पीपल कर सकते हैं, तो बीमार आदमी अच्छा से काम भी नहीं कर सकता है। इस कारण क्या है, हेल्थ सेक्टर में सरकार का इन्वेस्टमेंट एकदम जरूरी है। द हेल्थ ऑफ ए पर्सन हेल्प हिम टू रियलाइज हिज और हर पोटेंशियल एंड एबिलिटी टू फाइट इलनेस। अगर हेल्थ कंडीशन अच्छा रहेगा, आदमी पढ़ा लिखा रहेगा, तो कोशिश करेगा कि हमारा जो बीमारी है उसको डॉक्टर से दिखा उखा के ठीक कर ले, समझ गए। ही सी विल नॉट बी एबल एबल टू मैक्सिमाइज हिज आउटपुट टू द ओवरऑल मैक्सिमाइज द आउटपुट टू द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो हेल्दी आदमी है वो क्या कर सकता है, जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा रहा है, मान लो कि टीचर हम ही, मेरा हेल्थ अभी खराब है तो उतना इफिशियंसी से हम नहीं पढ़ा रहे हैं, ये रियलिटी है। अगर हमारा हेल्थ सही रहता, सर्दी खांसी नहीं रहता, तो ज़्यादा क्षमता से हो सकता है कि मैथ पढ़ाते, ये सब पढ़ाते, तो ये चीज़ है। इंडीड हेल्थ इज एन इंडिस्पेंसिबल बेसिस फॉर रियलाइजिंग वंस वेल बींग, हेंस फोर्थ इम्प्रूवमेंट इन द हेल्थ स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन हैज बीन द प्रायोरिटी ऑफ द कंट्री। आवर नेशनल पॉलिसी टू एम्स टू इम्प्रूविंग द एक्सेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर, फैमिली वेलफेयर एंड न्यूट्रिशनल सर्विसेज विद द स्पेशल फोकस ऑन द अंडर प्रिविलेज सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन। देखिए, अब इसमें क्या किया गया ना कि हमारा भी जब देश आजाद हुआ तो हम लोग जो नेशनल प्लान लेके आया उसमें हेल्थ पे काफी फोकस दिया गया, हेल्थ केयर पे, फैमिली वेलफेयर पे और न्यूट्रिशन सर न्यूट्रिशन, और ज्यादातर किस पे फोकस किया गया, किन लोगों को टारगेट किया गया, अंडर प्रिविलेज सेगमेंट उसको बोलते हैं, अंडर प्रिविलेज सेगमेंट जिसके पास बेसिक दवाई खरीदने के भी पैसे नहीं है, अगर बुखार लग गया तो, समझ गया, जो बच्चा जन्म लेता है उसको बाहर से दूध पिलाने का भी उसके पास पैसा नहीं है,
उसको अंडर प्रिविलेज सेगमेंट बोलते हैं। उसके लिए सरकार बहुत सारा स्कीम लेके आई है आज भी। उसको जैसे हेल्थ केयर तो सरकारी हॉस्पिटल में फ्री में मिलेगा ही, फैमिली वेलफेयर के तहत बहुत सारा स्कीम है, बेटी पढ़ाओ बेटी पे बहुत सारा स्कीम है। उसी तरह से न्यूट्रिशनल सर्विसेज, न्यूट्रिशन मतलब क्या कि जो माता जन्म देती है बच्चों को, तो उससे क्या है कि उसको पहले से ही जब वो रहती है तो सरकार के तरफ से आंगनबाड़ी केंद्रों के तहत उसको खाना पीना पहुंचाया जाता है। उसी तरह से सरकारी हॉस्पिटल में सिर्फ हेल्थ केयर के लिए अगर भर्ती हो तो फ्री में खाना भी दिया जाता है सरकारी हॉस्पिटल में। धीरे धीरे भारत प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि अब धीरे धीरे एम्स वगैरह में अब फ्री वाला सिस्टम थोड़ा बंद हो गया है, फिर भी ठीक है। पीएमसीएच वगैरह में अभी भी फ्री में न्यूट्रिशनल सर्विस, हेल्थ केयर, फैमिली वेलफेयर सब चीज़ मिलता है, ठीक है। ओवर द लास्ट 5 डिकेड इंडिया हैज़ बिल्ड अ वास्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल्सो डेवलप द मैन पावर रिक्वायर्ड एट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर इन द गवर्नमेंट एज वेल एज द प्राइवेट सेक्टर। तो भारत ने हेल्थ सेक्टर में पिछले 5 दशक में, 50 सालों में काफ़ी तेजी से तरक्की किया है, न केवल प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में बल्कि प्राइवेट सेक्टर में भी सरकार ने, देखते हो ना, प्राइवेट हॉस्पिटल भी बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल इंडिया में पिछले 50 सालों में खुल चुके हैं। दिस मेजर्स विच हैज बीन एडॉप्टेड हैज इंक्रीज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ओवर 69.4 ईयर्स इन 2016। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट हैज कम डाउन टू 147 इन 1951 टू 36 इन 2000। देखिए पहले क्या होता था, इसका मतलब समझ लीजिए कि भारत में अब एवरेज आयु आदमी का जीने का कितना हो गया है, 70 साल, लगभग 6-8 महीना कम। इन इन्फेंट मोर्टिलिटी मतलब बच्चा पैदा लेता था तो 1000 में से 147 बच्चा मर जाता था पैदा लेते ही, लेकिन अब 1000 में मात्र 36 बच्चा 2020 के डाटा के अनुसार मर रहा है। तो हम लोग तरक्की किए हैं। क्रूड बर्थ रेट हैज ड्रॉप टू 20 इन 2000 एंड डेथ रेट टू 6.2 इन 2018। विथ इन द सेम ड्यूरेशन ऑफ टाइम इंक्रीज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड इम्प्रूवमेंट इन द चाइल्ड केयर। डेथ रेट भी हमारा घटा है, बर्थ रेट थोड़ा बढ़ा है, क्योंकि मरने वाले को संख्या अब क्या हो गया, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गया है, समझ गया ना। इंक्रीज इन द लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड इम्प्रूवमेंट इन चाइल्ड केयर आर यूजफुल इन एक्सेसिंग द फ्यूचर प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री। इस कारण क्या है, हमारा जो भी नौजवान बच्चा पैदा लेता है उसको अच्छा से हेल्थ केयर फैसिलिटी मिलना चाहिए, इससे देश भी स्ट्रॉन्ग बनता है। इंक्रीज इन लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ इज इंडिकेटर ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ मार्केटेड बाई सेल्फ कॉन्फिडेंस। रिडक्शन इन इन्फेंट मोर्टिलिटी इन्वॉल्व द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम इन्फेक्शन। मतलब क्या था कि बहुत सारे चिल्ड्रन क्या था इन्फेक्शन के कारण डेथ हो जाता था, जिनको हम लोग अब नहीं मरने दे रहे हैं। इंश्योरिंग द न्यूट्रिशन ऑफ बोथ द मदर एंड चाइल्ड केयर। मतलब क्या, हम लोग न्यूट्रिशन मतलब खाने पीने का सामान पौष्टिक मदर को, उसके बच्चे को और उसका दवाई बीरो सब चीज उसको फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। देखो अब इसमें दिया हुआ है डाटा, ठीक है, प्राइमरी हेल्थ सर्विस, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है एक्चुअल में, समझ गया ना। ये क्या है, डिस्पेंसरी एंड हॉस्पिटल, बेड, रजिस्टर्ड डॉक्टर इन मेडिकल काउंसिल और नर्सिंग पर्सोनल, एनएम जीएनएम ये सब का। 2014 में हमारे पास प्राइमरी हेल्थ सेक्टर 1,82,709 था, जो कि 2019 आते आते और घट गया है, देख लीजिए आप, घटा है ना। हॉस्पिटल का संख्या 29,715 था जब नरेंद्र मोदी का सरकार बना, तो हॉस्पिटल का संख्या तो बढ़ गया है। अब इसमें प्राइवेट हॉस्पिटल भी हो सकता है। गवर्नमेंट में बेड 6,75,000 था जब मोदी सरकार आया, और वर्तमान में 8,18,000। रजिस्टर्ड डॉक्टर पहले 36,000 थे, अब 29,000। देखिए डॉक्टर का भी संख्या क्या हो रहा है, घट रहा है। इसका मतलब क्या है कि देश छोड़ के लोग भाग रहे हैं विदेश में।
नर्सिंग प्रशुल्क इकाई दहीं से 1,000 10 लाख 26 लाख नर्स वगैरह पूरे भारत में थी, अब कितना हो गया है? इकाई दहीं से 1,000 10 लाख 10 लाख अब 12 लाख। तो ये सब देखिए हेल्थ सेक्टर में काफी कम इन्वेस्टमेंट देखने के लिए मिल रहा है हमारा, समझ गया ना? देखने के लिए मिल रहा है ना, थोड़ा सा तो घट रहा है भाई, अधिकतर चीज में डिक्रीजिंग हो रहा है। यही डाटा में देखिए ना कितने का अंतर हो गया है, डॉक्टर के डाटा में देखिए कितना का अंतर आ गया है। सुप्रीम कोर्ट सब सेंटर, एससी मतलब सब सेंटर, प्राइमरी हेल्थ, पीएचसी मतलब प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सीएचसी मतलब कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, ये सबका मीनिंग याद करो। एससी मतलब क्या? सब सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। एनएम मतलब एक्जुलरी नर्सिंग हाइड्राइड्स। आरएनएन, आरए मतलब रजिस्टर्ड नर्स एंड रजिस्टर्ड मिडवाइफ्स। एलएचवी मतलब लेडी हेल्थ विजिटर, मतलब ये सब जितना भी शॉर्टकट है वो पूछा जाता है, एग्जाम एग्जाम दोगे कंपटीशन का तो इसका फुल फॉर्म पूछा जाएगा, तो ये याद कर सकते हो। सोर्स लिया गया है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ हेल्थ इंटेलिजेंस, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से ये डाटा, ऊपर का टेबल लिया गया है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? डू यू थिंक इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डॉक्टर एंड नर्सेस इज एडिक्वेट फॉर इंडिया, इफ नॉट व्हाई? देखिए अब सिर्फ डॉक्टर का संख्या बढ़ाने से तुम जंग नहीं जीत सकते हो, मतलब सिर्फ बढ़िया मेडिकल फैसिलिटी हो जाए ऐसा नहीं हो सकता है। उसके लिए क्या होना चाहिए कि वेल ट्रेंड डॉक्टर चाहिए, वेल ट्रेंड। जैसे कि आजकल क्या हो गया है, आजकल टेली मेडिसिन, डॉक्टर क्या है ऑनलाइन ही आपको सलाह दे देते हैं, टेली मेडिसिन, जिसके पास पैसा नहीं है ऑनलाइन कंसल्ट किया उसको दवाई मिल गया। तो यही सब लिखना है, व्हाट अदर फैसिलिटी वुड यू लाइक टू प्रोवाइड इन ए हॉस्पिटल, क्या क्या अलग फैसिलिटी हॉस्पिटल में प्रोवाइड करना चाहिए। दवाई और खाना पीना तो सरकारी हॉस्पिटल में मिलबे करता है, वही है कि साफ सफाई अगर अच्छा से रहे अगर सरकारी हॉस्पिटल में तो बहुत बढ़िया बात होगा। आप किसी हॉस्पिटल में गए हैं तो उसके बारे में डिस्कस करना है। देखिए क्या क्या मतलब डिस्कस करना है, कितना उसमें डॉक्टर है, कितना नर्स काम करती है, एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या क्या, मेनी हॉस्पिटल्स आर देयर इन योर लोकेलिटी, कितना हॉस्पिटल तुम्हारे आसपास है, हाउ मेनी डिस्पेंसरीज, दवा का दुकान तुम्हारे आसपास में कितना है। तो ये सब गौर करने के लिए दिया है। देयर आर मेनी प्लेसेस इन इंडिया विच डू नॉट इवन हैव बेसिक फैसिलिटी, देयर आर ओनली 542 मेडिकल कॉलेज इन कंट्री एंड 313 डेंटल कॉलेज, जस्ट फॉर स्टेट लाइक आंध्र प्रदेश कर्नाटका महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज। भारत में सिर्फ 24,000 कॉलेज देखे थे ना, उसमें मात्र 512 मेडिकल कॉलेज है जहाँ एमबीबीएस का पढ़ाई होता है और 313 डेंटल कॉलेज है, ठीक है? तो हॉस्पिटल जाइए, ये सब डाटा कलेक्ट कीजिए, बढ़िया स्कूल में रहते तो ये सब ले जाया जाता है। अब देखिए अनइम्प्लॉयमेंट क्या होता है, हेल्थ और एजुकेशन पे बात हो गया, अब अनइम्प्लॉयमेंट पे। शकाल मदर शीला लुक्ड आफ्टर द डोमेस्टिक कोरस चिल्ड्रन आर हेल्प्ड हर हस्बैंड बूटा इन द फील्ड, शकाल ब्रदर जीतू एंड सिस्टर शीतू स्पेंट दियर टाइम प्लेइंग एंड रोमिंग, कैन यू कॉल शीला और जीतू और सीतू अनएम्प्लॉयड, इफ नॉट व्हाई? देखो तुम अपने छोटे भाई को अगर वो खेल रहा है तो उसको तो अनएम्प्लॉय नहीं ना कह सकते हो, अनएम्प्लॉय मतलब बेरोजगार लोग, बेरोजगार किसको कहा जा सकता है? यहाँ पे दिया हुआ है अनएम्प्लॉयमेंट इज सेड टू एग्जिस्ट व्हेन पीपल आर विलिंग टू वर्क एट द गोइंग वेजेस कैन नॉट फाइंड जॉब, आदमी में काम करने का क्षमता है लेकिन उसको रोजगार मिल नहीं पा रहा है जैसा उसके पास स्किल है, तब उसको बेरोजगारी बोलते हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट का डेफिनेशन आप लोग याद कर लीजिएगा यहाँ से, अनएम्प्लॉयमेंट इज सेड टू एग्जिस्ट व्हेन पीपुल हु आर विलिंग टू वर्क, मतलब चाहता है काम करना, एट गोइंग वेजेज,
जिससे उसको पैसा मिले बट कैन नॉट फाइंड जॉब, लेकिन उसको काम मिल नहीं पाता है। शीला इज नॉट इंटरेस्टेड इन वर्किंग आउटसाइड हर हर डोमेस्टिक डोमेन, समझ गए? जो उसकी मम्मी सकाल की थी वो बाहर काम ही नहीं करना चाहती थी, तो उसको अनएम्प्लॉयमेंट आप कैसे कहेंगे कि अनएम्प्लॉयड है? जीतू और सीतू भी उसी तरह से थे, समझ गए ना? स्मॉल टू बी काउंटेड, स्मॉल छोटे बच्चे हैं पॉपुलेशन में, उसको वर्कफोर्स में आप काउंट नहीं कर सकते हैं। नाइदर जीतू सीतू और शीला कैन बी काउंटेड एज अनएम्प्लॉयड, समझ गए? अनएम्प्लॉयड क्यों नहीं? अब घर में तुम्हारी मम्मी को कोई दे रहा है कि यहाँ आके काम करिए इतना पैसा मिलेगा, लेकिन कोई आदमी जाना ही नहीं चाहता है, तो उसको अनएम्प्लॉयड नहीं काम का काउंट कर सकते हैं, उनको घर में अच्छा लग रहा है। तो द वर्क फोर्स पॉपुलेशन इंक्लूड पीपुल फ्रॉम 1559, ये याद रखना है कि वर्किंग क्लास पॉपुलेशन का एज कितना से कितना है इंडिया में, 1559 साल, समझ गए? 1559 साल से 1559 साल, जैसे आर्मी वगैरह का रिक्रूटमेंट जो होता है आर्मी का, वो 16-17 साल से भर्ती लेता है और आखिरी कितना तक है, 59 साल, 60 में आपको रिटायर कर देगा। सकाल ब्रदर एंड सिस्टर डू नॉट फॉल विथ इन द एज ग्रुप, सकाल के ब्रदर और सिस्टर है वो 15 साल से कम है, इस कारण उसमें वो गिनती नहीं होंगे कि वो अनएम्प्लॉयड है। सकाल मदर सीरा वर्क फॉर द फैमिली, सी इज नॉट विलिंग टू वर्क आउटसाइड फॉर डोमेस्टिक डोमेन फॉर पेमेंट, और उसकी जो मम्मी है वो बाहर जाके काम ही नहीं करना चाहती हैं, तो उसको कैसे आप अनएम्प्लॉयड काउंट कीजिएगा? सी टू कैन नॉट बी कॉल्ड अनएम्प्लॉयड, सकाल ग्रैंड पेरेंट्स ऑल दो मेंशन इन द स्टोरी कैन नॉट बी कॉल्ड अनएम्प्लॉयड, और उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं दादाजी हैं उसका एज 59 साल से ज्यादा है, तो उसको भी आप अनएम्प्लॉयड नहीं बोल सकते। अनएम्प्लॉयड किसके किसके बीच? 15 से 59 साल के लोगों को ही बोला जा सकता है जो काम करने का इच्छा रखते हैं और उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। इन केस ऑफ इंडिया वी हैव अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एंड अर्बन एरियाज, हाउएवर द नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट डिफर इन द रूरल एंड अर्बन एरियाज। इन केस ऑफ रूरल एरिया देयर इज सीजनल और डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए अब क्या होता है, रूरल एरिया में क्या होता है कि खेती बाड़ी होता है, एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर होता है, जैसे खेत में अभी धान रोपाया हुआ है, ठीक है? तो धान रोपने समय तो गांव के मजदूर को वहां काम मिल गया, लेकिन जैसे ही धान रोपा गया तो फिर 3 महीना का वेट करना पड़ेगा, कटेगा धान फिर गेहूं रोपाएगा, उस समय काम मिलेगा, है ना? इस कारण सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट मिलता है, मतलब कभी जॉब है कभी नहीं है। मान लो कि कोई मजदूर काम कर रहा है आपके यहाँ, घर बन रहा है, तो घर बन गया तो फिर उसको अगला घर फाइंड करना है ना कि किसके यहाँ जाके काम करेंगे, तो सीजनल इसी को बोलते हैं कि 10 दिन काम मिला फिर 5 दिन नहीं मिल रहा है, तो उसको सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे, जो कि रूरल एरिया में होता है, गांव एरिया में। अर्बन एरिया है मोस्टली एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, जो शहर में है वो पढ़ लिख के लोग अनएम्प्लॉयड है, समझ गए? गांव में पढ़ाई का तो कुछ है ही नहीं, वहां तो सिर्फ मजदूरी करना है। 1 मिनट रुको, आते हैं हम। कोई दिक्कत? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट समझ में आया तुम लोग को? देखो इसमें दिया भी हुआ है आगे, क्या दिया हुआ है कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हैपेंस व्हेन पीपल आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब ड्यूरिंग सम मंथ ऑफ द ईयर, है ना? अभी बताए किए थे कि 2-3 महीना काम मिला फिर 2-3 महीना नहीं मिला, तो उसको क्या बोलेंगे? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है? पीपुल डिपेंड अपॉन, मतलब क्या? अभी सब चीज का तो हम चर्चा कर ही दिए हैं।
कि पीपुल डिपेंड अपॉन एग्रीकल्चर यूजुअली फेस सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, देयर आर सर्टेन बिजी सीजन व्हेन शोइंग हार्वेस्टिंग वीडिंग एंड थ्रेसिंग। देखिए ये भी आपको इम्पोर्टेंट है, सोइंग हार्वेस्टिंग, फसल को बोना, फसल को काटना, वीडिंग एंड थ्रेसिंग। थ्रेसिंग ये सब चार प्रोसेस होता है एग्रीकल्चर में। सर्टेन मंथ डू नॉट प्रोवाइड मच वर्क टू द पीपुल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, समझ गए, कुछ मंथ में उनको एकदम काम नहीं मिलता जो सिर्फ खेती बाड़ी पर निर्भर है। इन केस ऑफ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट पीपुल अपीयर टू इम्प्लॉयड, दे हैव एग्रीकल्चर प्लॉट वेयर दे फाइंड वर्क यूजुअली हैपेंस। रुक जाओ तो, 1 मिनट, फोन आ रहा है। चल देखो, दे हैव एग्रीकल्चर प्लॉट वेयर दे फाइंड वर्क, दिस यूजुअली हैपेंस अमंग द फैमिली मेंबर इन एनी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। मतलब क्या है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट उनको बोलते हैं, डिसगाइज्ड इन अनएम्प्लॉयमेंट, जिनके पास प्लॉट है तो उसी में काम कर रहे हैं, अपना खेत है उसी में काम कर रहे हैं, बाहर कोई जॉब नहीं कर रहे हैं, ठीक है। द वर्क रिक्वायर्ड द सर्विस ऑफ 5 पीपुल बट इंगेज 8 पीपुल। मतलब क्या है, घर में हमारा 10 गो परिवार है और एक कट्ठा में हम सब्जी लगाए हैं, तो उसमें एक ही आदमी सब्जी रोप सकता था, लेकिन 10ों आदमी उसी में लगे हुए हैं। तो इस चीज को क्या बोलते हैं, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, समझ गए। एक्चुअल में हर एक परिवार में ये चीज होता है, भारत में यही दिक्कत है। एग्रीकल्चर में उतना लोगों का जरूरत नहीं है जितना लोग एग्रीकल्चर में काम करते हैं, ठीक है। इससे बेरोजगारी और ज्यादा बढ़ा हुआ है। देयर पीपुल आर एक्सट्रैक्ट, देयर सम दीज 3 पीपुल ऑल्सो वर्क इन द सेम प्लॉट एज द अदर्स। देख रहे हो ना, इसमें क्या बता रहा था कि जहाँ 5 का जरूरत काम करने का था, 8 कर रहे हैं, तो 3 एक्स्ट्रा कर रहे हैं ना जी, 3 को दूसरे जगह काम मिलना चाहिए था, वो अलग क्षेत्र में अपना योगदान दे सकते थे। इफ 3 पीपुल्स आर रिमूव द प्रोडक्टिविटी ऑफ द फील्ड विल नॉट डिक्लाइन, अगर 5 का जरूरत था, 8 गो से काम करवा रहे हैं, 3 गो को हटा भी देंगे तो क्या होगा, उसका कोई प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर लैंड का नहीं घटेगा, वहां तो सब्जी उतना ही एक कट्ठा में उगेगा जितना 10 आदमी मिलकर रोपे, चाहे 1 आदमी मिलकर रोपे, चाहे 5 आदमी मिलकर रोपे। द फील्ड रिक्वायर द सर्विस ऑफ 5 पीपुल, 3 एक्स्ट्रा पीपुल आर डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड। मतलब इसी को 3 एक्स्ट्रा जो वहां पे काम किया उसको क्या बोलेंगे, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड। तो दो चीज यहाँ पे पढ़ लिए हम लोग, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट और डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इन केस ऑफ अर्बन एरिया एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट हैज बिकम कॉमन, शहरी क्षेत्रों में पढ़े लिखे लोगों में बेरोजगारी कॉमन देखने के लिए मिलती है, कॉमन फेनोमेना। मेनी यूथ विल मैट्रिकुलेशन ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब। ए स्टडी शो दैट अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट हैड इंक्रीज फास्टर देन अमंग मैट्रिकुलेट। देखिए, ज्यादा पढ़े लिखे को और ज्यादा बेरोजगारी बढ़ रहा है। देखिए, जैसे कि ग्रेजुएशन का मतलब क्या होता है, बीए होता है, बीए या बैचलर, कोई भी डिग्री जिसके आगे बी लगा हुआ है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, और पोस्ट ग्रेजुएट मतलब मास्टर लगा हुआ हो जिसके आगे, उसको हम लोग पोस्ट ग्रेजुएट बोलते हैं, ठीक है। तो मैट्रिक फास्टर अमाउंट द मैट्रिकुलेट, ए स्टडी शोड अनएम्प्लॉयमेंट ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट इंक्रीज फास्टर। मतलब ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट जो बैचलर और मास्टर डिग्री लिए वो लोग ज्यादा बेरोजगार हैं मैट्रिकुलेट की अपेक्षा। पैराडॉक्सियल मैन पावर सिचुएटेड इन द विटनेस एज सरप्लस ऑफ द मैन पावर इन सर्टेन कैटेगरी को एग्जिस्ट विद द शॉर्टेज ऑफ मैन पावर इन अदर। किसी किसी सेक्टर में क्या है, जैसे किसी किसी फैक्ट्री में काम से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं और किसी किसी में काम करने लायक लोग नहीं मिल रहे हैं। देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट अमॉन्ग टेक्निकल क्वालिफाइड पर्सन ऑन वन हैंड विच देयर इज ए ड्रेथ ऑफ टेक्निकल स्किल रिक्वायर्ड फॉर इकोनॉमिक ग्रेथ। मतलब क्या है, एक्चुअल में हम लोग कहीं बात कर रहा है कि जो इंजीनियरिंग किए हुए बच्चे हैं उनके पास स्किल का कमी है, इस कारण उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, इम्प्लॉयड नहीं है, अनइम्प्लॉयड है, अनइम्प्लॉयड है। अगर वो उनको अच्छा स्किल दिया जाए तो वो इकोनॉमिक में अपना योगदान ग्रोथ करके दे सकते हैं, समझ गया। अनइम्प्लॉयमेंट लीड टू वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्स,
अनइम्प्लॉयड मतलब बेरोजगार लोग बैठ के फेसबुक चला रहे, इससे क्या है, हमारा मैन पावर वेस्ट हो रहा है। पीपल हु आर एन एसेट ऑफ इकोनॉमी टर्न इन टू लाइबिलिटी, और बेरोजगारी के कारण जो हमारा संपत्ति होता है, जो हमारा जनसंख्या है, वो हमको संपत्ति के रूप में गर्व से कहते हैं कि हमारा इतना है, वो अब हम समस्या खड़ा हो रहा है, लाइबिलिटी बोझ बन गया है आदमी का बेरोजगार रहना, सरकार पे भी। देर इज फीलिंग ऑफ होपलेसनेस एंड डेस्पेयर अमॉन्ग द यूथ, मतलब क्या है, जो मतलब उम्मीद ही नहीं, कहीं होप नहीं बचा है पढ़े लिखे लोग पास, कि नौकरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। पीपुल डू नॉट हैव इनफ मनी टू सपोर्ट दियर फैमिली, और उनके पास इतना पैसा भी नहीं है कि वो अपने बिजनेस करें, फैमिली को सपोर्ट करें, इतना पढ़ लिख के बने। इनएबिलिटी ऑफ एजुकेटेड पीपुल हु आर विलिंग टू वर्क टू फाइंड गेनफुल इम्प्लॉयड इम्प्लाइज ए ग्रेट सोशल वेस्ट, मतलब क्या है कि एजुकेटेड पीपुल जो काम करने का क्षमता रखते थे लेकिन अनइम्प्लॉयड हैं, तो ये हमारा क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है बहुत ज़्यादा। अनएम्प्लॉयमेंट टेंड टू इंक्रीज इकोनॉमिक ओवरलोड, द डिपार्टमेंट ऑफ अनएम्प्लॉयड डिपेंडेंस ऑफ अनएम्प्लॉयड ऑन द वर्किंग पॉपुलेशन इंक्रीज, द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल एज वेल एज अ सोसाइटी इज एडवर्सली अफेक्टेड व्हेन ए फैमिली हैज लिव ऑन ए बेयर सब्सिस्टेंस लेवल, देयर इज ए जनरल डिक्लाइन इन इट्स हेल्थ स्टेटस, राइजिंग विदड्रॉल फ्रॉम द स्कूल सिस्टम, मतलब क्या है कि अनएम्प्लॉयमेंट के कारण क्या हो रहा है कि भाई इससे हमारा हेल्थ कंडीशन भी खराब हो रहा है, मतलब आदमी हमेशा टेंशन में रहेगा तो उसको बीमारी भी ज्यादा होगा, हेल्थ स्टेटस वो अपने मतलब अनएम्प्लॉयड है, बच्चे को बढ़िया स्कूल में पढ़ा रहे थे, नौकरी छूट गया तो वहां से विड्रॉल करवा ले रहे हैं, बच्चे को हटा दे रहे हैं पढ़ने से, समझे ना। हेंस अनएम्प्लॉयमेंट हैज डिटरमेंटल इम्पैक्ट ऑन ओवरऑल ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी, इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट इज एन इंडिकेटर ऑफ डिप्रेस्ड इकोनॉमी, इट ऑल्सो वेस्टेज द रिसोर्सेज विच कुड हैव बीन गेन फुल्ली इम्प्लॉयड, इफ पीपुल कैन नॉट बी यूज दैट रिसोर्स दे नेचुरली अपीयर एज लाइबिलिटी फॉर द इकोनॉमी, मतलब क्या है, अगर हम पीपुल को अच्छा ट्रेनिंग वगैरह नहीं देंगे, अच्छा ट्रेनिंग नहीं देंगे, नौकरी नहीं मिल पाएगा उनको, तो हमारे ऊपर बोझ ही रहेंगे, वो अपने फैमिली पर है या ओवरऑल कहेंगे तो गवर्नमेंट पर बोझ रहेंगे, लाइबिलिटी के समान है, समझ गए ना। इन केस ऑफ इंडिया स्टैटिस्टिकली द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज लो, ए लार्ज नंबर ऑफ पीपुल रिप्रेजेंटेड विथ लो इनकम एंड प्रोडक्टिविटी आर काउंटेड एज इम्प्लॉयड, दे अपियर टू वर्क थ्रू आउट द ईयर बट इन टर्म्स ऑफ देयर पोटेंशियल एंड इनकम इट इज नॉट एडुकेट फॉर देम द वर्क दैट दे आर परस्यूइंग, मतलब कुछ कुछ ऐसे मतलब लोग भी हैं जो काम तो कर रहे हैं लेकिन उनको मिलना चाहिए था 50,000 का मंथली लेकिन मिल रहा है 10,000 का मंथली, तो ऐसे लोग को भी क्या बोलेंगे, अनइम्प्लॉयड ही बोलेंगे, समझे ना। क्षमता के अनुसार पैसा नहीं मिल पा रहा है, दे मे देयर फॉर वॉन्ट अदर वर्क ऑफ दियर च्वाइस, पुअर पीपुल कैन नॉट एफोर्ड टू सिट इडली, दे टेन टू इंगेज इन एनी एक्टिविटी इरिस्पेक्टिव ऑफ दियर अर्निंग पोटेंशियल, दियर अर्निंग कीप्स देम ए बेयर सब्सिस्टेंस लेवल, मतलब देखिए अब गरीब आदमी के पास उतना समस्या नहीं है, जो नहीं पढ़ा लिखा है वो देख रहे हो ना कुछ भी काम करके अपना चला लेगा, लेकिन मतलब क्या है, पुअर पीपुल में अनएम्प्लॉयमेंट देखने के लिए नहीं मिलेगा, उनका उतना ही अनपढ़ है तो उतना ही उसका क्षमता है, तो उसको तो मिल जा रहा है रोजगार, कुछ भी कर रहा है, लेकिन भाई जो पढ़े लिखे ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट उनमें अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में ज्यादा है, समझ गया ना। मोर ओवर द इम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर इज कैरेक्टराइज बाई सेल्फ इम्प्लॉयमेंट इन द प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, एग्रीकल्चर सेक्टर, पोल्ट्री, ये सब क्या है, मतलब जो लोग बेरोजगार हैं उनके लिए सरकार क्या है? स्कीम निकाल रही है कि चलिए बकरी पालिए, मछली पालिए,
है ना, ये सब स्कीम है, तो वो लोग प्राइमरी सेक्टर में सेल्फ एम्प्लॉयड बन सकते हैं। द होल फैमिली कंट्रीब्यूट इन द फील्ड इवन थ्रू नॉट एवरी डे इज रियली नीडेड, सो देयर इज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। तो एक्चुअल में क्या होगा कि मतलब भाई, अब पिताजी पढ़ा लिखा कि इंजीनियर बना दिए, वो चाहते तो खुद भी भेड़ बकरी और मुर्गी फार्म और ये मछली पालन कर सकते थे, लेकिन अब बेटा भी आके कर रहा है, तो उसको भी तो अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे, लेकिन वो किस तरह का, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे, डिसगाइज, समझ गए, एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड है। दिस कॉन्सेप्ट इज शेयरिंग ऑफ वर्क इन द फील्ड एंड देयर प्रोड्यूस रेज रिड्यूस टू हार्डशिप, बट अनएम्प्लॉयमेंट इन द रूरल सेक्टर, बट दिस डज नॉट रिड्यूस द पॉवर्टी ऑफ द फैमिली। ग्रेजुअली सरप्लस लेबर फ्रॉम एवरी हाउस होल्ड टेंड्स टू माइग्रेट फ्रॉम द विलेज इन सर्च ऑफ जॉब। मतलब क्या है, अब लोग ज्यादा पढ़ लिख जा रहे हैं गांव में, तो अब खेती बाड़ी में तो अब करते रहेंगे तो सरप्लस लेबर हो जा रहा है, तो लोग जॉब के तलाश में गांव छोड़ छोड़ के अब बाहर जा रहे हैं, देश छोड़ छोड़ के बाहर जा रहे हैं। देखे ना तुम, डॉक्टर का संख्या उतना था घट गया तो उतना डॉक्टर मर थोड़े गया होगा, सब छोड़ के चला गया दूसरे देश जहाँ पैसा मिलेगा। अच्छा, लेट अस डिस्कस अबाउट द एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो इन द थ्री सेक्टर मेंशन इन अर्लियर। एग्रीकल्चर इज द मोस्ट लेबर एब्जॉर्बिंग सेक्टर इन द इकोनॉमिक, मतलब सबसे ज्यादा खेती बाड़ी में ही भारत में सबसे ज्यादा रोजगार लोगों को मिलता है, उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज्यादा इंडिया में काम मिलता है। इन रिसेंट ईयर देयर हैज बीन डिक्लाइन इन द डिपेंडेंस ऑफ पॉपुलेशन ऑन एग्रीकल्चर, पार्टली बिकॉज ऑफ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट डिस्कस अर्लियर। मतलब क्या है, अब भारत का जो संख्या इतना तेजी से बढ़ रहा है, 1 बीघा जमीन आपके पिताजी का है, 4 गो बच्चा हो गया, चारों पांचों मिल के इसी में काम कर रहे हैं, तो डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है धीरे धीरे। सम ऑफ द सरप्लस लेबर इन द एग्रीकल्चर है मूव टू आइदर, अब जो इतना सारा लोग हो गए, सब खेती जानते हैं, तो आइदर क्या करेंगे, देखिए, आइदर गो टू सेकेंडरी और द टर्सरी सेक्टर। इन द सेकेंडरी सेक्टर ए स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इज द मोस्ट लेबर एब्जॉर्बिंग, छोटा छोटा फैक्ट्री, साबुन बनाने का, बिस्किट बनाने का, अगरबत्ती बनाने का, ये सब क्या है, छोटा छोटा है, स्मॉल इंडस्ट्री है मैन्युफैक्चरिंग का, वो सबसे ज्यादा लेबर को एब्जॉर्ब करती है। इन केस ऑफ टर्सरी सेक्टर वेरियस न्यू सर्विसेज आर अपेयरिंग लाइक बायोटेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कह लो या कंप्यूटर साइंस कह लो, इस सब में भी काफी ज्यादा लोगों को रोजगार आज के डेट में मिल रहा है। लेट अस रीड द स्टोरी टू नो हाउ पीपल्स कुड बिकम द एसेट फॉर द इकोनॉमी ऑफ ए विलेज, मतलब कैसे लोग अपने किसी गांव का जो उसका आदमी है, कैसे वो उसका संपत्ति के समान होता है, बोझ नहीं होता है, उसको इस स्टोरी से हम लोग जानेंगे। देयर वॉज ए विलेज इनहेबिटेटेड बाई सेवरल फैमिली, बहुत सारे लोग फैमिली रहते थे, इच फैमिली प्रोड्यूस इनफ टू फीड इट्स मेंबर, हर एक फैमिली इतना मतलब प्रोड्यूस खेती बाड़ी से कर लेता था तो अपने परिवार का भोजन चला सके अच्छे से। इच फैमिली मेट इट्स नीड्स बाई द मेंबर्स मेकिंग देयर ऑन क्लॉथ एंड टीचिंग देयर ऑन चिल्ड्रेन, मतलब क्या था, वो लोग इतने सक्षम थे, वो अपने बच्चों को खुद पढ़ा भी सकते थे और उनका कपड़ा भी खुद तैयार कर सकते थे। ऑन द फैमिली डिसाइडेड टू सेंड वन ऑफ इट्स सन टू टू एन एग्रीकल्चरल कॉलेज, तो उसी में से क्या किया कि एक परिवार था जो अपने बच्चे को एग्रीकल्चर कॉलेज में एग्रीकल्चर का पढ़ाई के लिए भेजा। द बॉय गोट हिज एडमिशन इन द नियर बाई कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, आफ्टर सम टाइम ही बिकम्स क्वालिफाइड इन एग्रो इंजीनियरिंग एंड केम बैक टू द विलेज, ही प्रूव टू बी सो क्रिएटिव डैट ही कुड डिजाइन एंड इम्प्रूव टाइप ऑफ प्लग, जोतने वाला मशीन को बोलते हैं, विच इंक्रीज द यील्ड ऑफ व्हीट, मतलब जो गेहूं के पैदावार को क्या किया, बढ़ाया, वो पढ़ाई करके एग्रीकल्चर से आया। दस ए न्यू जॉब ऑफ एग्रो इंजीनियर वॉज क्रिएटेड एंड फील्ड इन द विलेज, तो इससे क्या हुआ, पैदावार बढ़ रहा है, तो पहले तो क्या था कि उतना ही भर भोजन का उत्पत्ति हो रहा था जितना खा रहे थे, अब ज्यादा होगा तो उसको मार्केट में बेचेंगे, उसे पैसा मिलेगा। द फैमिली इन द विलेज सोल्ड द सरप्लस इन द नियर बाई नेबरिंग विलेज, और जो ये बच्चा एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग करके आया और गेहूं इतना सादा पैदावार किया, तो उसको नियर बाई विलेज में क्या करेगा, पड़ोसी गांव में बेचेगा, उससे पैसा कमाएगा।
They earned good profit, which they shared among themselves. Inspired by the success of the family, after some time, held a meeting in the village. तो इस परिवार के सक्सेस को देख के विलेज में एक मीटिंग बुलाया गया. दे ऑल वांटेड टू हैव ए बेटर फ्यूचर फॉर दियर चाइल्ड टू. सभी लोग चाहते थे कि हमारे बच्चे का भी भविष्य इसी बच्चा टाइप से उज्जवल हो. दे रिक्वेस्टेड दे रिक्वेस्टेड टू द पंचायत टू ओपन ए स्कूल एट द विलेज. दे एश्योर्ड द पंचायत दैट दे वुड ऑल सेंड दियर चिल्ड्रेन टू स्कूल. द पंचायत with the help of government opened a school. A teacher who recruited for nearby town, all the children of the village started going to the school. After some time, one of the family gave training to his daughter in this. अब उसके बाद क्या किया कि पहले क्या था कि सभी लोग अपना अपना बच्चा को खुद घर पे पढ़ाता था. उसके बाद देखा कि अब पढ़ना जरूरी है तो गवर्नमेंट से बोल के स्कूल खुलवाया. एक अपना बच्ची को टेलरिंग का कोर्स कराया. सी स्टार्टेड स्टिचिंग. कपड़ा सीने का काम करने लगी. फॉर द फैमिली ऑफ द विलेज फॉर एवरी वन नाउ वॉन्टेड टू बाई एंड वियर वेल टेलर्ड क्लॉथ. और सब लोग उसका कपड़ा सिलाने जाने लगे. दस अनदर न्यू जॉब डेट वॉज द टेलर वॉज क्रिएटेड. अनदर हैड अनदर पॉजिटिव इफेक्ट. द टाइम ऑफ द फार्मर इन गोइंग फॉर द बाइंग क्लॉथ वॉज सेव्ड. एज द फार्मर स्पेंड मोर टाइम इन द फील्ड द यील्ड ऑफ फार्म्स वेंट अप. दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ प्रॉस्पेरिटी. The farmer had more than what they could consume. Now they could sell what they produced to the other who came to their village market. Over time, this village, which formerly had no job opportunity in the beginning, had many like teacher, tailor, agro engineer, many more. This was the story of simple village where the rising level of human capital enabled to it evolve into a place rich with the complex and modern economic एक्टिविटी. तो इसमें क्या बताया कि पहला तो एक बच्चा को बाहर पढ़ने भेजा तो वो एग्रीकल्चर से इंजीनियरिंग करके आया तो बढ़िया खेती बाड़ी किया, पैसा बहुत कमाया, तो धीरे धीरे सब लोग पढ़ाई पे ध्यान. दूसरा जॉब क्या हुआ कि एक सिलाई का कोर्स करवाया अपना बेटी का, तो उससे कपड़ा उपड़ा सीने लगा तो वो भी एक प्रकार का जॉब क्रिएट हो गया. इस तरह से बहुत सारा जॉब क्रिएट किया जा सकता है गाँव लेवल में भी चाहेंगे तो. सिर्फ एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड नहीं रहना है, यही इस कहानी से सीख मिलता है. समझ गया ना वो सेल्फ मतलब विलेज क्या है, सेल्फ सस्टेन कर सकता है, खुद वहां रोजगार उत्पन्न हो सकता है चाहिएगा तब. समझ गया ना, ये हो चुका है एक्सरसाइज का क्वेश्चन, कल करवा दिया जाएगा. समझ में आया कि नहीं? तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है.